हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है, तो ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डिस्प्ले साइज़ और डिस्प्ले साइज़ को आप कैसे सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स अपने आते हैं, फिर आपको क्लिक कर देना होगा सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स अपने आती है, तो जो हमारे फ़ोन में डिस्प्ले साइज़ और डिस्प्ले साइज़ को आप कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है पर्सनलाइजेशन पे। क्लिक करते जो सेटिंग्स हमारे फ़ोन में अपनी आएगी, तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिस्प्ले साइज़ को सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप मीडियम पे सेट कर सकते हैं, लार्ज पे। तो मीडियम पे सेट करके अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते डिस्प्ले साइज़ हमारे फ़ोन में सेट हो जाए है। तो आप देख सकते हैं कि आपको डिस्प्ले साइज़ को चेंज करना है, तो हमारा डिस्प्ले साइज़ हमारे फ़ोन में मतलब सेट हो गया। तो इस तरीके से यानी फ़ोन की सेटिंग आकर डिस्प्ले साइज़ को आप सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।